हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का इंस्टेंट अचार। ये तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। इसके लिए मुझे चाहिए आंवले। ये मेरे पास आधा किलो आंवला है। इसके लिए मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच चीनी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये मैंने मसाला लिया है, इसमें आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच राई है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, अब मैं इसमें आंवले को स्टीम दूंगी। ये देखिए पानी उबल रहा है, इसके ऊपर मैं ये चलनी रख के आंवले को इसमें रख दूंगी स्टीम होने के लिए। ये मैंने सारे आंवले इसमें रख दिए हैं और अब मैं इसको ढक दूंगी। इसको स्टीम होने में, इसको पकने में 10 मिनट लगेंगे। अब 10 मिनट बाद मैं आपको, ये देखिए स्टीम होते हुए आमलों को 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर कुछ होगा तो फिर हम दोबारा रखेंगे। ये देखिए स्टीम हो गए हैं, अच्छे से दब रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये आमले को निकाल लेंगे, हम हटा देंगे। अब ये ठंडे होने के बाद इसकी आंवले की फांके सब अलग अलग हो जाएंगी। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी फांके अलग अलग कर देंगे, फिर हम इसका अचार बनाएंगे। ये देखिए आंवले उबल गए थे और ये आराम से उसकी सब फांके अलग हो गई। ठंडा करने के बाद ये फांके आराम से निकल आती हैं। ये मैंने अलग करके रख लिया है। अब मैंने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है इसके लिए। ये तेल मेरा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये सौंफ, मेथी, राई और हल्दी ये सब डालूंगी मैं। बहुत जल्दी बन जाता है ये। बस अब इसमें हम ये आंवले जो हमने तैयार किए थे ये डाल देंगे। हाँ, इसको हम थोड़ा धीमा कर देते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, थोड़ा नमक इसमें ज़्यादा ही डलता है। और ये गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला है। और ये 1 टीस्पून चीनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, बस हमारा अचार तैयार हो जाएगा। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, ये मेरा अचार बनके तैयार है। देखिए कितना सुंदर बना है। हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फौरन खाने लायक हो जाता है और बहुत फ़ायदेमंद अचार है ये। इसमें विटामिन सी और आयरन बहुत अधिक होता है। आप सब भी बनाएं और देखिए कितना बढ़िया अचार बना है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो जरूर करें। मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।